गुजरात की मेहसाणा विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नितिन पटेल जीतते आए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में नितिन पटेल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में मेहसाणा के जिलाध्यक्ष मुकेश पटेल को यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा चुनाव में मेहसाणा हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित सीटों में से एक है, और ऐसे में इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां से कौन चुनाव जीतेगा। गुजरात चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जनता को आखिर कैसे लुभाया जाए। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखाजी सोमाजी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात में इस बार मुद्दों से ज्यादा नेताओं की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान विकास के जो कार्य किए गए वो गुजरात के मॉडल के रूप में जनता को बताया जा रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं, क्या मोदी की यही जो लोकप्रियता है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगी या फिर कोई और विचारधारा पर भी रणनीति बनाई गई है आप द्वारा? जो हमारे बीच में हमारा जो कार्यकर है वो काम करता है, रात दिन काम करता है, चुनाव आएगा तब काम करता है ऐसा नहीं है, 365 दिन काम करता है। और हमारा जो नेता नरेंद्र भाई मोदी है, इसकी आशीर्वाद से हमको मार्गदर्शन मिलता है और हम सब चुटनी जीतेंगे, बहुत लीड से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो रोजगार के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार घेरने का काम कर रहा है। युवाओं की अगर बात करें, युवाओं के लिए क्या कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखो, मैं बहुचरा जी से आया हूँ, वहाँ मारुति इंडस्ट्रीज है और हीरा होंडा इंडस्ट्रीज है, तो सब हमारे यहाँ का जो यह है वो काम करता है, रोजगारी मिलती है, और जो नहीं मिलता तो भी बाहर से आउट स्टेट से भी लोगों 40-50-60। गुजरात विधानसभा चुनाव में युवा एक अहम फैक्टर होने जा रहा है। युवाओं के पास महंगाई, रोजगार से लेकर शिक्षा तक के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वे चाहते हैं कि बीजेपी ध्यान दे। इन मुद्दों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या कुछ बदलाव किए जाने हैं जिससे कि चुनावी वादों पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो दोबारा आ सके? देखो, शिक्षण में बहुत कॉलेज खुली है, यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा बनाई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी बनाई है और शिक्षण में सब लोग ज़्यादा अभ्यास करते हैं। और इसके बारे में मैं बताऊँ तो बाहर से भी यहाँ लोगों कॉलेज करने के आते हैं विद्यार्थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बीजेपी ने विकास, राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने विकास कार्यों की जो गिनती है उसको गिना रही है, लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान विपक्ष जो है वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। आप इसको क्या चुनौती मानते हैं? नहीं नहीं, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसा जो मुद्दा लगाता है तो जो कोई गांव में चला जाए तो सरकार बनती है, लेकिन गांव के लोग भी नहीं समझ रहे कि ये बनावटी आदमी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बनाते आए हैं 27 साल से और 5 वर्ष बनाएंगे। तो बेजरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB News, गुजरात।